अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज बहरिया डाउन कराची से मैं हूं असदुल्ला। और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ अतर एसोसिएट मियां अतर साहब जो हैं, वो आज हमारे साथ आज की वीडियो में मौजूद हैं। मियां साहब की आज जो है वो बर्थडे थी और पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ ने इनके ऑनर में एक बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की है, तो उसके लिए जो है मियां साहब हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। तो उनसे आज हम जो है बात करते हैं, उनके जो ख्याल आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको आपकी सालगिरह के हवाले से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस में आए हैं, और पीबीएल की तरफ से भी जो है आपका बहुत शुक्रिया। सर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे कि मार्केट के हवाले से हमने देखा कि पिछले एक दो साल के अंदर, पिछले एक डेढ़ साल से मार्केट जो है काफ़ी वो डाउन है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कब तक जो आपको बेहतरी की उम्मीद लग रही है मार्केट के हवाले से, रियल स्टेट मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में जितने अरसे से भी आप लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, अप एंड डाउन्स आते हैं, मुल्क की हालात के ऊपर होता है, डिपेंड ऑन करता है। जैसे हमारी हुकूमतें जिस तरह मुल्क के हालात मतलब इतने अच्छे पॉलिटिकली नहीं चल रहे, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हमें रियल स्टेट के ऊपर भी आया है, और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह ताला अपने स्मूथली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन हो जाएंगे। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आती है वो मुल्क को लेके चलेगी, हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और होपफुल रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला हमारी मार्केट भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर अतर एसोसिएट जो है आप एज ए बिल्डर भी अच्छा खासा काम जो है वो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में अतर एसोसिएट का, तो एज ए बिल्डर के हवाले से आप मुझे बताएंगे, एज ए बिल्डर आपको क्या मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी, इस हवाले से क्या मुश्किल पेश आ रही हैं? देखिए जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर प्राइजेज राइज की हैं, ठीक है, वो हमारी कंस्ट्रक्शन हो, खाने पीने की एशिया हो, कुछ भी हो, एक ही चीज़ है जिसने अभी तक जंप नहीं लिया, तो वो है हमारी प्रॉपर्टी या हमारे फ्लैट्स हैं, हमारे घर हैं, तो कंस्ट्रक्शन जितनी भी इसमें मटेरियल यूज़ होता है वो तो महंगा हो चुका हुआ है। हमें अब इसके रेट्स को अप जाना है, वो मार्केट स्लो की वजह से अपनी हो रही है, जिस दिन वो थोड़ा अप हो गए तो आपको ये फील नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इतना हो रहा है। जैसे प्राइस आपकी जो आप 8,000 रुपये में 10,000 रुपये में फ्लैट बेच रहे हैं, वही फ्लैट आप जब बेचेंगे 15,000 रुपये में, तो आई थिंक कि आप कहेंगे नहीं नहीं बेस्ट है, ये प्राइस अच्छी है। ठीक है। अच्छा हमारे इन्वेस्टर्स को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पर करें, क्या किया जाए? देखें ये जब भी स्लो होती है मार्केट, तो वो टाइम राइट टाइम होता है बाइंग का, उस टाइम के अंदर जो को बंदा बाइंग करता है तो उसको कम टाइम में ज़्यादा अर्न करने के चांसेस मिल जाते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए टाइम है, इस टाइम के अंदर उनको उनकी मर्ज़ी की लोकेशन मिल सकती है, मर्ज़ी का मतलब कम रेट वाले उसको घर प्लॉट मिल सकते हैं, जो कि तेज़ी में हमें अक्सर देखा जाता है कि मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो यहाँ तो जो लोकेशन में चाह रहा हूँ ये कॉर्नर मिले, ये फेसिंग पार्क मिले, मिलता नहीं है। आज उनके लिए ये मौका है कि वो ज़रूर इन्वेस्ट करें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ बाय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के रेटों पर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका, और वो अगेन बहुत दोबारा आपको मुबारकबाद आपकी बर्थडे। मेरी तरफ से भी आप तमाम दोस्तों को, तमाम मेंबर्स को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दी, थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह सर। जी व्यूअर्स, मियां अतर साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने मुलाहिज़ा की है, तो मज़ीद अगर आपकी बहरिया टाउन के हवाले से कोई क्यूरीज हो तो उसके लिए आप टीम पाक फ्लैग से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, थैंक यू सो मच।